सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि मोस्टली सभी क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। जो आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पार्ट टू में पाइथागोरस थ्योरम, उसमें ये थ्योरम जो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये कॉमनली इसका जो थ्योरम है ये थ्योरम मोस्टली यूज होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरम और देखते हैं ये थ्योरम आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इन टू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। सो सबसे पहले तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमारा फिगर ड्रॉ करके हो गया है। सो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हो इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला था, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा क्या है, पी क्यू आर है, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, जो हमने क्या किया है, एक सेगमेंट ड्रॉ किया हाइपोटेनियस जो कि हमारा एस क्यू है, टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जो हमारा वर्टेक्स है अपोजिट में क्यू है, इज द ज्योमेट्रिक मीन क्या है, और ज्योमेट्रिक मीन फॉर्म करेगा ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। सो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि आखिर यह है क्या। तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ आखिर, तो इसमें क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो पी क्यू आर, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, उसमें क्या दिया है, हमारा क्यू एस परपेंडिकुलर टू किसको है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या दिया है, पी और आर, हाइपोटेनियस इसको है पी और आर, और फिर क्या है, ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, क्या दिया है, क्यू एस आर पी एस क्यू, क्यू एस आर और पी एस क्यू, रीजन क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो आखिर ये है क्या, तो जैसे कि क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या है, एस आर अपॉन एस क्यू, क्यू एस अपॉन पी एस और क्या है, एस आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्या दिया है, पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू एस या फिर एस क्यू। तो जैसे आप देख सकते हो कि क्यू एस और क्यू एस दोनों को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, क्यू एस का होल स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा इसका, पी एस इंटू एस आर, फाइनली जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, फाइनली क्या हमें मिलेगा है, सेगमेंट क्यू क्यू एस सॉरी क्यू एस इज द क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या हमें मिला है, ज्योमेट्रिक मीन मिला है ऑफ किसका, सेगमेंट पी एस एंड एस आर। सो फ्रेंड्स, हेंस हमने प्रूव्ड कर दिया है कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम का मीनिंग क्या है कि जो क्या है इसमें क्यू और एस, क्यू एस जो एल्टीट्यूड, जो हाइट, जो ट्रायंगल की हाइट रहेगी, जो ड्रॉ करेंगे हम लोग कहाँ से, जो इसका एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्यू से जो ड्रॉ किया है,
मीनिंग क्या है क्वेश्चन, मीनिंग क्या है थ्योरम की, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो आप ड्रॉ करोगे हाइट और या फिर एल्टीट्यूड बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो कि क्यू से ड्रॉ किया है, उसका स्क्वायर क्या रहेगा, पी एस और क्या रहेगा, एस आर रहेगा, इन इसका स्क्वायर ये दोनों साइड्स रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थ्योरम प्रूव्ड हो चुका है और ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो थैंक यू, और बताइए मुझे कि आप लोग को समझा है, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, और मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के डाउट क्लियर कर सकूँ।